हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे पहले हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो ओम्स लॉ था और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने डिस्कस किया। बीच में एक दो टॉपिक और थे, कार्बन रेजिस्टर वगैरह, जो सीबीएसई ने अभी जो है ना लेटेस्ट ही सिलेबस में से कट ऑफ किए हैं। तो इसलिए एज पर प्रेजेंट सिलेबस हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक को यहाँ कंटिन्यू किया। बाद में जो टॉपिक पेंडिंग है हम उनको भी वीडियोस में कवर करेंगे, पर फिलहाल जो पहले ज़रूरी है वो हमने किया है। ड्रिफ्ट का मीनिंग होता है धक्का, फोर्सली कोई काम कराना, वो फोर्सली दी गई वेलोसिटी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो कंसेप्ट के बारे में है। देखिए, कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो हमने डिस्कस किया था, वो होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिन्हें आप क्या बोलते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कंडक्टर में बाउंड नहीं होते, फ्री होते हैं कहीं भी मूव करने के लिए, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। अपनी मर्जी से मूव करते हैं, इसलिए इनके मोशन को रैंडम मोशन कहा जाता है। बिना किसी डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली मूव करते रहेंगे, किसी से भी टकरा जाएंगे, टकरा के अपना पाथ चेंज कर लेंगे। तो इसलिए रैंडम मोशन उसको बोला जाता है जिसमें पाथ और वेलोसिटी जो है वो कंफर्म नहीं होती, चेंज होती रहती है। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स नहीं होती तो ये ऐसे ही मूव करते हैं रैंडमली की तरह। जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा यहाँ मतलब है कि जब तक हम उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस पे ही लगेगी, तब तक उनका नेट मोशन नहीं होगा। नेट मोशन का मीनिंग है कि एक मोशन को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, रैंडम मोशन ही रहेगा, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के तो फोर्स नहीं लगेगी। और जब तक फोर्स नहीं लगेगी तो उनका मोशन कंट्रोल में नहीं आएगा, कंट्रोल में नहीं आएगा तो हम रैंडम मोशन में तो ये मान के चलते हैं कि अगर किसी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट ए से लेकर बी पॉइंट तक 50 इलेक्ट्रॉन्स ने इस तरफ गए हों तो उसी इंस्टेंट पे 50 इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ भी आए होंगे। रैंडम मोशन तो ऐसा होता है, हमें ये मान के चलना पड़ता है कि सब कुछ जो है वो रैंडमली हो रहा है। किसी टाइम पर अगर ए से बी तक 50 गए हैं तो बी से ए पे भी 50 आए होंगे, जिसकी वजह से दोनों की वेलोसिटी आपस में कैंसिल आउट हो जाती है और नेट मोशन जो है या एवरेज वेलोसिटी निकाले सो की तो वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, 50 की डायरेक्शन इधर 50 की इधर, तो टोटल क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये केस आ जाता है हमारे पास कब, जब आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो पहले हम ये केस भी मेंशन कर लेते हैं, ये केस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बताया जाता है, क्योंकि ज़रूरी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी होती है जब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मैं हेडिंग अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको नहीं बता रहा, एक्सप्लेन करने के बाद लिखेंगे, पहले मैं ये केस लिख देता हूँ यहाँ पर। केस फर्स्ट, एक केस हम ये लेके चल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मोशन कैसा है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का। पहले केस में हम लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड, है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर, इसका मीनिंग है E की वैल्यू क्या है, जीरो। ये फर्स्ट केस है। तो देखिए, जो चीज़ें हमने डिस्कस की अभी, जो बातें आपको बताई उसी को आपने वर्डिंग में लिखना है, जैसे कि एवरी कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी इंस्टेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू मूविंग फ्रॉम बी टू ए, वही चीज़ हम लिखेंगे। तो लिखिए, एवरी कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एवरी कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एट एनी इंस्टेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एट एनी इंस्टेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग, जो क्रॉस कर रहे हो, एनी क्रॉस सेक्शन, एनी क्रॉस सेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि ए से बी,
एंड राइट टू लेफ्ट, यानी कि बी से ए, आर क्या होंगे, किसी इंस्टेंट पे आप क्या मान के चलते हो, इक्वल होंगे, आर इक्वल। सो नेट मोशन इज जीरो, इसका मीनिंग है जब मोशन ही नहीं हुआ तो नेट करंट इज जीरो, करंट भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, आप लिखोगे इफ यू वन यू टू एंड सो ऑन यू एन, इनिशियल वेलोसिटीज, अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी यू वन है, दूसरे की यू टू है, ऐसे क्या है यू एन जो है वो रैंडम इनिशियल वेलोसिटी हो, आर द रैंडम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये आपने रैंडम इनिशियल वेलोसिटीज ली है इनकी, तो एवरेज क्या निकालनी है हमें, देन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, देन एवरेज वेलोसिटी इज यू एवरेज क्या होती है, सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो एन से, एवरेज तो ऐसे ही निकाली जाती है। लेकिन आपने तो क्या पढ़ा कि इनमें से आधे इस तरफ जा रहे हैं और आधे इस तरफ आ रहे हैं, तो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो एवरेज क्या होगी, दोनों का सम करेंगे और सम करने पे ये ऊपर वाला पार्ट है ये तो जीरो आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। देख लीजिए आपने तो लिखा कि ए से बी तक अगर 50 गए और बी से ए में भी 50 आ गए, तो पहले आप एवरेज निकालने के लिए उन 50 की वेलोसिटीज का सम करेंगे 50 से डिवाइड करने के लिए, लेकिन सम में 50 टर्म में तो पॉजिटिव है और 50 के टर्म में क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है वेलोसिटी की, तो उनकी वजह से ही एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। प्लस 5 और माइनस 5 का एवरेज क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ऐड करते ही जीरो हो जाएगा, फिर डिवाइड करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये चीज कब है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई नहीं करते किसी कंडक्टर पे, तो उसके जो चार्ज कैरियर होते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको आप फ्री इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हो, उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन अगर हम केस सेकंड लें, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जैसे ही एक कंडक्टर को किसी बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो गया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के होने से अब चार्ज कैरियर्स पे फोर्स लगनी शुरू हो गई, और फोर्स लगेगी तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स फिर किसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे, तो सबकी डायरेक्शन फिक्स हो गई, अब कोई रैंडमली नहीं भाग रहा, अब सारे के सारे क्या भाग रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहे हैं, अपोजिट टर्मिनल की तरफ भाग रहे हैं फोर्स लगने पे। तो अब एक चीज जो आपको पता लगानी है वो ये जो आपको पता होनी चाहिए कि ये बताओ, अब जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहे हैं, क्या वो अपनी नेचुरल वेलोसिटी के साथ भाग रहे हैं जो वेलोसिटी फर्स्ट केस में थी, या अब उनकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो गई है। आंसर इज चेंज वेलोसिटी के साथ भाग रहे हैं। फर्स्ट केस में तो जो नेचुरल वेलोसिटी थी वो तब थी जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं, आपको पता है कि अब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उनके ऊपर फोर्स लग रही है, और जहां फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की वजह से उनकी वेलोसिटी में चेंज जरूर आएगा, क्योंकि फोर्स क्या पैदा करेगा, एक्सीलरेशन, और वही एक्सीलरेशन तो उस वेलोसिटी के साथ मोशन बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहे कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से वो जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहे हैं वो अपनी ओरिजिनल वेलोसिटी के साथ नहीं भाग रहे, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से वेलोसिटी मिली है उनको, यानी कि उनके ऊपर एक धक्का हो रहा है, पहले वो अपनी मनमर्जी से भाग रहे थे, अब उनके ऊपर क्या हो रहा है, धक्का हो रहा है, उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और ये जो जबरदस्ती वेलोसिटी उनको दी जा रही है उसी को आपने क्या नाम दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दो चीजें क्लियर हो गई आपको, एक तो ये नेचुरल वेलोसिटी नहीं है, दूसरा ये तब मिलेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।
तो उसी बेस पे हमने इसकी डेफिनेशन बनाई है, जो हम अब लिखेंगे और फिर सेकंड केस इसका डिस्कस करके वैल्यू निकालेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है, डिनोट करते हैं इसको वी और स्मॉल डी से, पैरों में डी सब जो इसके सबस्क्रिप्ट होते हैं। तो अब लिख लीजिए, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कंडक्टर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो उसके प्रभाव की वजह से, उसके इंफ्लुएंस की वजह से जो फोर्स पैदा हुई, उस फोर्स की वजह से सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को धक्के से ड्रिफ्ट किया गया पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट किया गया उन सब की जो एवरेज वेलोसिटी आई, उस एवरेज वेलोसिटी को आपने क्या नाम दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये डेफिनेशन है, इसको पहले लिख लेते तो आप ये चीज ना समझ पाते। पहले हमने फ्री वाला केस समझाया आपको कि पहले क्या हो रहा था और अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से क्या हो गया। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इसकी वैल्यूज हमें पुट करनी है बाद में। तो अब हम सेकंड केस लेंगे जहां पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने से क्या चेंज आया है वो हम नोटिस करेंगे। केस सेकंड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, दैट इज ई नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो जब ऐसा नहीं है देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बात करेंगे हम, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स पहले फ्री थे, आर द इलेक्ट्रॉन starts drifting opposite to the direction of electric field, क्योंकि electric field की direction तो positive से negative और electron तो negative already है, वो किसकी तरफ भागेंगे, positive की तरफ। तो electric field की direction से opposite direction में वो अपने आप उनपे force लगेगी और वो जाना शुरू करेंगे। तो ऐसा होने से क्या होगा, एक नेट मोशन आएगा निकल के, नेट ट्रांसफर हो रहा है। अब ये नहीं हो रहा कि ए से बी तक 50 गए तो बी से ए तक भी 50 आ रहे, नहीं, अब तो मैक्सिमम एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो हम ये लिखेंगे, नाउ देयर इज अ नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ देयर इज नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले ये नेट जीरो आ रहा था पहले केस में इलेक्ट्रॉन, एक नेट ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एक नेट ट्रांसफर होने की वजह से आपको करंट भी मिलेगा, सारी चीजें अब यहाँ पर क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। करंट भी है तो आपको वैल्यू जीरो नहीं मेजर करनी पड़ेगी यहाँ पर, या आप लिख सकते हो यहाँ पर रिजल्टिंग इन करंट, नेट ट्रांसफर जो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, रिजल्टिंग इन करंट। अब ये जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इनके ऊपर एक फोर्स लग रही है। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है फोर्स लगती है तो यानी कि एक्सीलरेशन भी है वहां पर। तो एक्सीलरेशन हम निकालेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कितना एक्सीलरेशन कवर कर रहा है। तो सबसे पहली चीज
फोर्स कितनी लग रही है, Q इंटू E, ये आपने निकाला हुआ है ऑलरेडी, फोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की जगह क्या लिख सकते हैं, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की, तो चार्ज इज माइनस E, चार्ज तो माइनस E है यहाँ पर, ये है फोर्स की इक्वेशन। और जनरली फोर्स को इक्वेशन न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या लिखते हो आप, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ई कैपिटल ए अपॉन में एन, ये वैल्यू है एक्सीलरेशन की, जो तब होती है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उनको ड्रिफ्ट किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो इस एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। अब एक्सीलरेशन अगर वहां पर आ गया तो पहले जो उनकी वेलोसिटी थी, जिसको आप इनिशियल वेलोसिटी बोलते हो, स्टार्टिंग वेलोसिटी को, अब वो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और अब जो वेलोसिटी होगी उसको आप क्या बोलोगे, फाइनल वेलोसिटी बोलोगे, ठीक है। तो अब वो क्या लिखेंगे, उस चीज को हम लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी यू वन, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू वन नाउ मूव्स विद वेलोसिटी V1। जब कभी इलेक्ट्रॉन इनिशियल वेलोसिटी U1 के साथ मूव कर रहा था तो अब एक्सीलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V1, और ये V1 किसके इक्वल होगा, क्या कहता है इक्वेशन ऑफ मोशन, V is equals to U plus AT, तो V1 किसके इक्वल, U1 plus A निकाल चुके हो आप, और T की जगह आ जाएगा यहाँ पर टाओ, इसको टाओ बोलते हैं, टी को थोड़ा सा नीचे बैठ किया जाता है। ये क्या है, ये हम टॉपिक पूरा होते ही डिस्कस करेंगे, इसको वैसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, आगे जाने में जितना टाइम लगा, नॉर्मली मैं बता देता हूँ आपको, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और किसी दूसरे पॉजिटिव आयन से टकराने से पहले उसको जितना टाइम लगा, मान लो 3 सेकेंड तक वो चलता रहा, कोई उसके रास्ते में नहीं आया और फिर वो टकरा गया, तो टकराने के बीच का जो टाइम है, दो कोलिजंस के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाओ, रिलैक्सेशन टाइम, जब तक वो रिलैक्स रहा, तो टाओ वन पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम। सिमिलरली सेकंड की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यू टू प्लस ए टाओ टू, और ऐसे ही फाइनल इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, टाओ। ये फाइनल वेलोसिटीज आ गई जो तब एक्वायर की इलेक्ट्रॉन ने जब उनके ऊपर क्या लगाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई। तो फिर अब हम क्या निकालेंगे, डेफिनेशन क्या कहती है, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, देन एवरेज का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इक्वल्स टू सबकी एवरेज वेलोसिटी Vn upon में n, वैल्यूज पुट करते हैं, V1 की वैल्यू U1 A tau1 plus U2 A tau2 plus Un A tau1 upon में n, वैल्यूज पुट कर दी। एक टर्म को अलग ले लेते हैं, दूसरी टर्म को अलग लिख लेते हैं, कैसे, इसको मैं रब कर देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास, देखिए VD की वैल्यू आप लिखोगे, U वाली टर्मों को अलग ले लीजिए, हम लिख सकते हैं U1 plus U2 plus so on UN plus N plus A, A सब में कॉमन है तो A मैंने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया tau1 tau2 so on tau n upon में n, सेपरेट कर लिया,
प्लस वालों में यू वन को पहले लिख लिया, सेकेंड टर्म को बाद में लिख लिया, उसमें से ए कॉमन ले लिया, तो ये कुछ ऐसे आ गया। इसकी वैल्यू आपको पता है, ये तो सिंपल इनिशियल वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू है, इनिशियल केस यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो ये तो वैल्यू क्या हो गई, जीरो प्लस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ए की वैल्यू क्या आई थी, माइनस ई टाउ अपॉन में एम, और ये है रिलैक्सेशन टाइम की एवरेज वैल्यू, जिसको हम मान लेते हैं कि वो क्या है, टाउ के इक्वल आ जाएगी। तो जो रिजल्ट आया निकल के, वो क्या आया, VD is equal to minus E capital E tau by में M, ये आई आपके पास resultant velocity, drift velocity जिसे आप बोलते हो, ये final problem आया, जहाँ आप लिखोगे where tau is the relaxation time, क्या कहेंगे इसको, ये वो time है जो एक electron दो collision के बीच में cover करता है, पहला collision हुआ, उसके बाद दूसरा collision होने तक जितना time उसको लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और ये कहा जाता है, जो आपको याद रखना है, कि जितना ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतने कम कोलिजन वो सफ़र करेगा। अगर 10 सेकंड का टाइम है तो यानी कि 10 सेकंड तक उसने कोई कोलिजन नहीं किया, 2 सेकंड का टाइम है तो यानी कि 2 सेकंड के बाद वो कोलाइड कर गया। तो जितना ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम उतने ही वो क्या है, ज़्यादा बिना कोलिजन को मूव करेगा। जो बातें आपको यहाँ वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो याद रहना, किसी भी रैंडम मोशन में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रैंडम मोशन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रैंडम मोशन, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स उस पर काम नहीं कर रही, तो आपको पता होनी चाहिए कि स्पीड होती है 10^5 मीटर पर सेकेंड से 10^6 मीटर सेकंड के बीच में। ये वो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की जब वो रैंडम मोशन में होता है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, फोर्स उसके ऊपर लग जाएगी, एक धक्का उसके ऊपर लग जाएगा, तो जो ड्रिफ्ट स्पीड आएगी वो कितनी होगी, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होती है 10^-4 मीटर पर सेकेंड। तो डिफरेंस आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्पीड कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, जब उसको कहाँ रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो ये वैल्यूज हैं, अगर वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल ये मोशन था और ड्रिफ्ट के बाद क्या आ गया, ये मोशन आ गया, और टाउ को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाउ। तो ये टॉपिक था आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड यूनिट में पूछा ही जाता है एग्जाम में।